वेलकम बैक टू चैनल। सो समर्स का सीजन अभी कुछ टाइम पहले था अब मानसून का सीजन आ चुका है लेकिन समर्स के सीजन में जो टैन हुई थी बॉडी को वो अभी तक बरकरार है नो no, किसी को भी पसंद टैनिंग नहीं होगी बिकॉज टैनिंग से क्या होता है पूरी बॉडी एक मैप के जैसे लगने लग जाती है कहीं पे स्किन का कलर कुछ और होता है कहीं पे बॉडी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो भी कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सन के उसका कलर कुछ और हो जाता है बिकॉज टैनिंग से वो जो स्किन होती है ना वो धीरे धीरे बर्निंग सेंसेशन मतलब रेड होते होते वो इतनी ज़्यादा ब्राउन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो पार्ट हमारी बॉडी का सीरियसली में नहीं है और बहुत ज़्यादा अजीब सा भी फील होता है हमें सो टैनिंग होती है सन के एक्सपोज़र से और जैसा कि मैंने आपको अपनी बहुत, बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो सन की जो लाइट होती है ना यू वी एू वी बी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बिकॉज़ आज कल के पॉल्यूशन और बहुत सारे ऐसी जो मैटर है उसकी वजह से क्या हो रहा है जो सन की सो uh, सन so, की नहीं एक्चुअली अर्थ uh, की ओजोन लेयर धीरे धीरे मतलब इतनी ज़्यादा पतली हो गई कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है पहले के टाइम में क्या होता था सन पहले भी था और उसकी लाइट पहले भी थी लेकिन पहले उतना एक्सपोजर मतलब हमारे लिए सही होता था विटमिन डी मिलता था और बहुत सारे सन के मतलब सन की लाइट से विटमिन नहीं लेते थे, थे लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है वो जो ओजोन लेयर है जिससे हमारी बॉडी को मतलब सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है वो जो लेयर है वो बिल्कुल धीरे धीरे गायब सी होती रही है तभी हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं अपने स्किन पर लेकिन अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद भी अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो वरी करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि okay, आज इसमें इस आज मैं इस वीडियो में आपके सामने दो डी मतलब डी टेन की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप अगर अपनी स्किन पे आपको टैनिंग की दिक्कत हो गई है मतलब ऐसा हो गया कि आपकी बॉडी टैन हो गई तो आप उसको यूज़ करके टैनिंग की दिक्कत को खत्म कर सकते हो लेकिन अगर आपको मतलब अगर आपको टैनिंग नहीं है लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आप बाहर से आए हो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है और आपको टैनिंग हो सकती है तो भी आप ये होम मीडिया यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको क्या होगा आप टैनिंग होने से बच जाओगे मतलब पहले ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लोगे कि आपकी बॉडी टैन होने से बच जाएगी तो क्या इस डी की पहली रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है अपने किचन में दो इंग्रीडियंट की नीड होगी वो है फर्स्ट है बेसन प्लस दूसरा है कर्ड एक्चुअली बेसन की बात करूँ तो बेसन एक लाइटनर लाईटन, का, का काम करता है और स्क्रबिंग का भी काम करता है साथ के साथ ही और प्लस कर्ड की बात करूँ तो कर्ड में इतनी ज़्यादा कूलिंग मतलब प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ऐसा ठंडा करता है जिससे कि जो बर्निंग वाला पार्ट होता है ना वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और टैनिंग होने से बच जाता है तो आपको इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे से मतलब मिक्स करने के बाद आपको मतलब अपनी फ़ेस को साफ़ करना है उस पर मतलब कुछ ऐसा लगाना ही होना चाहिए साफ़ फ़ेस पे आपको इसको लगाना है अप्लाई करना है इसको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मतलब इसको अच्छे से स्क्रब करना है और मिनिमम आपको इसको टेन टू फिफ्टीन मिनट्स रखना है मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं रखना कि पूरा का पूरा ही आपका फ़ेस ड्राई कर दे इतना रखना है कि कम से कम आपका फ़ेस नाइन्टी नाइन्टी कम से कम ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद आप इसको वॉश कर ले और आई नो मतलब जो बेसन है ना वो इजीली जाता नहीं है आपके फेस से और मेरे फेस से भी इजीली नहीं नहीं गया है इस वीडियो में जो वीडियो यहाँ पे चल रही है तो इसमें भी नहीं गया लेकिन यस आप इसको मतलब जितना धुलता है उतना धो के जब ये सूख जाता है ना तो आप इसको टावल के ज़रिए से मतलब ऐसे ऐसे झाड़ लोगे ना तो ईजिली ये झट जाएगा लेकिन ये फेस पैक लगाने के बाद ना मतलब जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेन में तो ये रिलीफ आपको देगा ही प्लस जब आप बाहर से इमिडिएटली आते हो तो आप ये फेस पैक ट्राई कर सकते हो आप सीरियसली uh, जब आप इसको लगाओगे तो खुद इसके रिजल्ट्स विजिबल करोगे और uh, हफ्ते में आप इसे एक या दो बार जब लगाओगे जैसे आपकी टैनिंग अगर हो रखी हो हफ़्ते में एक से दो बार लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट्स विजिबल होंगे एज़ नेक्स्ट डी टेन रेमेडी की बात कर लेते हैं वो है टोमेटो जो कि ईजिली आपके uh, किचन में अवेलेबल हो जाएगा और अगर मैं टोमेटो की बात करूँ तो इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है जो कि नेचुरल सनस्क्रीन का, का काम करता है प्लस इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करते हो 好。Cool. तो मतलब आपकी जो स्किन है लाइट एंड ब्राइटन हो जाएगी प्लस अगर आप इसको कंज्यूम भी करते हो तो वो मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपके मतलब शरीर बॉडी के अंदर काम करेगा जिससे कि आपकी स्किन और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है प्लस इसको यूज़ कैसे करना है आपको टमाटो को बीच से कट करके इसका एक पार्ट आप कंज्यूम भी कर सकते हो मैंने बाद में से कंज्यूम कर लिया था और जो हाफ़ होता है ना वो इसको क्या करना है अपनी स्किन पर रब करना है सात से दस मिनट तक इसको रब करना है फिर कुछ देर तक इसको ऐसे ही ने देना है बहुत ही जल्दी सूख जाता है क्योंकि थिक पेस्ट तो होता नहीं है बहुत ही पानी जैसा पेस्ट होता है इजीली सूख जाएगा फिर सूखने के बाद आप इसको वाइप ऑफ़ धो सकते हो आराम से और सीरियसली जो टमेटो है ना एक सिंगल इंग्रेडिएंट है और इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम वाला भी नहीं है बीच में से कट कर और स्किन पे लगा लिया मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ जैसे अगर आप बाहर भी जाते हो अगर आपको लगा कि मेरी बॉडी में टैनिंग वगैरह होने के चांसेस हैं तो आप इसको लगा सकते हो बहुत ही कूलिंग सेंसेशन भी देता है प्लस अगर आपकी बॉडी में कहीं रेडनेस हो गई हो और रेडनेस को भी कवर करता है अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो उसे भी रिपेयर करता है ये सो गाइज आई होप आपने इस दो डी टेन वाले इन्ग्रीडियंट को इन्जॉय uh, करा होगा और अगर आपके साथ भी दिक्कत हो रही है टैनिंग वाली या फिर आपके फैमिली फ़्रेंड्स रिलेटिव में किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो रही हो कि उनको बहुत ज़्यादा टैन हो गया और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली हो बहुत ज़्यादा ताम झाम यूज़ कर ली हो लेकिन फिर भी टैनिंग जा ही नहीं रही यू� है और टैनिंग की वजह से और भी सारी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है हमारी बॉडी के साथ एक्चुअली टैनिंग की वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाती है आती है मतलब हाइड्रेट रहती ही नहीं है सूखी सूखी सी लगती है दूर वाले को भी और ख़ुद को भी अच्छा सा फील नहीं होता है तो आप उनके साथ ये जो भी मैंने डी टेन मास्क डी टेन इन्ग्रीडियंट यू मतलब इसके साथ इस वीडियो में शेयर करा है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको मतलब इस चीज़ में हेल्प मिले आउट होने में प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर, कर दीजिएगा सो so गज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय